नमस्कार दोस्तों, श्याम एजुकेशन परिवार की ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम बीएससी पार्ट सेकंड पढ़ रहे थे, उसके आगे की जो क्लासेज हैं उनको कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं अपन। और आपने देखा था कि जो लास्ट लेक्चर हुआ था उसमें क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने सोल्व करवाया था। अब कुछ और क्वेश्चन इसमें डिस्कस करते हैं अपन, तो क्वेश्चन नंबर 6 से कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 अपना ये थर्ड यूनिट के अंदर चल रहा है। एनवी कोटि के यथार्थ अवकल समीकरणों के बारे में सोल्व कर रहे हैं। एग्जांपल भी सारे करवा दिए थे मैंने और क्वेश्चन भी कंटिन्यू करते जा रहे हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना ही आए। ये है एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 3x dy by dx प्लस y बराबर 1 माइनस x का होल स्क्वायर। x स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 3x dy by dx प्लस y बराबर ही है। ये अपना क्वेश्चन है दोस्तों, और इसको अपन करते हैं। तो सबसे पहले तो सॉल्यूशन पार्ट पे अपन चलेंगे, और सॉल्यूशन पार्ट में अपन लिखेंगे, इसको डाल दिया इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 इसको डाल दिया, तो अब आप क्या लिखोगे? अब अपने को जो लिखना है वो लिखना है हियर पी नोट, मैक्सिमम ऑर्डर डेरिवेटिव का गुणांक। तो पी नोट जो पी वन है वो कितना है, 3x है। y का कोफिशियंट है वो है p2, तो p2 का मान 1 हो गया 1। और ये भी दे रखा है, तो राइट साइड में दे रखा है उसका, तो अपन देख लेंगे। अब आपको चेक करना है, नाउ चेक p2 माइनस p1 डैश प्लस p0 डबल डैश, तो 1 माइनस 3 प्लस 2 कितना हो गया, 0। अब 0 हो गया तो जो इक्वेशन 1 हो गया वो एग्जैक्ट हो गया, अर्थात समीकरण एक यथार्थ अवकल समीकरण है। अर्थात समीकरण एक है वो क्या है, यथार्थ अवकल समीकरण है। अतः इसका प्रथम समाकल, अतः इसका फर्स्ट जो इंटीग्रल होगा वो कितना होगा, पी नोट एक डेरिवेटिव कम करो dy by dx प्लस यहाँ q1 की जगह p1 माइनस पी नोट डैश y बराबर, इसका इंटीग्रेशन करो तो इंटीग्रेशन होगा dx अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस का c1। दोस्तों मैं इसको लिख लेता हूँ, मैं पी नोट का मान तो कितना आया, एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स p1 माइनस पी नोट डैश, तो p1 तो 3x, इसका डैश करोगे 2x, तो 3x में 2x गया तो x इंटू वाई बराबर इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस का c1। अब इसका इंटीग्रेशन भी कर देते हैं, एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई करो भाई इसका इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन पावर के हिसाब से करें तो 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 2, तो 1 अपॉन जैसे इसको अल्फा मान लो, इसको अल्फा मानो तो 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर हो गया, और 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर का समाकलन माइनस 1 अपॉन अल्फा, तो 1 अपॉन एक्स। और बताओ एक्स का भी अवकलन होगा, तो एक्स का अवकलन होके भाग लगेगा, तो किसका भाग लगेगा, माइनस 1 का भाग लगेगा भाई, 1 अपॉन अल्फा का, तो माइनस 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर है।
इसको पूरे को अल्फा माना तो 1/α² का तो -1/α और माइनस होल लगेगा। तो इस माइनस को फिर मैं इस माइनस को इसको प्लस कर देता हूँ और प्लस का C1। आप इतना उतारिए दोस्तों, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताइए आप। और ये जो इक्वेशन बनेगा, जैसे इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम अगर मैंने दे दिया तो ये एग्जैक्ट तो नहीं है। यहाँ पे पी नोट और पी वन लिख के देख लेना, मैं लिख देता हूँ। क्योंकि पी नोट का जो मान है x² और ये पी वन का मान है वो है x। पी वन माइनस पी नोट डैश नोट इक्वल टू 0, और नोट इक्वल टू 0 है तो इक्वेशन नंबर 2 है वो एग्जैक्ट नहीं है। एग्जैक्ट नहीं है तो फर्स्ट ऑर्डर का ये क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके मैं लिखूंगा समीकरण 2, समीकरण 2 यथार्थ रैखिक अवकल समीकरण नहीं है, यथार्थ रैखिक अवकल समीकरण नहीं है, परंतु यह प्रथम कोटि का परंतु ये जो प्रथम कोटि का रैखिक अवकल समीकरण है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, प्रथम कोटि का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में चेंज करना आप, dy/dx x² का भाग दोगे तो 1/x (y) बराबर x² का भाग दोगे तो 1/x² 1 - x प्लस C1/x² x² का आपने भाग दे दिया और इसको डाल देना आप इक्वेशन नंबर 3। अब आपको यहाँ पे निकालना है IF, इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना है। क्योंकि इंटीग्रेशन फैक्टर जो होगा IF होगा वो होगा e^(1/x dx), तो e^(log x) और e^(log x) कितना होता है x, e^(log x) होता है वो कितना होता है x। तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3, देन सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3 कितना होगा, y into IF कितना है x, y into IF बराबर इंटीग्रेशन, पूरे को x से गुणा करो, 1/x² 1 - x प्लस C1/x² पूरे को x से गुणा करो और ये dx प्लस का C2। तो ये बन गया y into x बराबर, इसको x से गुणा करूँगा तो ये बना 1/x 1 - x dx प्लस C1/1/x dx प्लस C2। तो y(x) बराबर, पहले तो इसको अलग अलग करो। अलग अलग करने का मतलब है कि अगर मैं ऐसा लिख दूं तो आप देखो -1, अगर इसको 1/x और या 1 - x लिख दूं तब तो नहीं बनेगा, और इधर 1 - x और यहाँ x लिख दूं तो x - 1, अगर मैं प्लस कर दूं, अब देखो चलो अब ये हो जाएगा। अरे भाई आंशिक भिन्नों में तोड़ोगे तो यही आएगा, अब मैं थोड़ा स्मार्ट तरीका लगा के कर रहा हूँ। ये बना C1 log x प्लस का C2, तो ये बना y(x) बराबर, पहले तो पीछे वाले का कर लेता हूँ log x, फिर इसका -log 1 - x C1 log x प्लस C2, और जो लास्ट में जो रिजल्ट आएगा, जो आंसर आएगा वो लिख देता हूँ मैं यहाँ से, y(x) बराबर log m/n लगाओ तो log x/1 - x प्लस C1 log x प्लस C2, और
आप मैच करो, देखिए आंसर इसके क्वेश्चन नंबर 6। और दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर मैच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 6 के, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 6 भी अपन ने कर लिया है, तो आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीन शॉट ले लो, और कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में डाला करो। पहले आप खुद करने की कोशिश करा करो क्वेश्चंस को, अगर नहीं हो फिर आप इसमें चेक किया करो कि भाई ठीक है कि देखते हैं कि सर ने करा रखा है या नहीं करा रखा है। चलो इसको उठा देता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 6 भी अपना हो गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, x d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 1 माइनस x dy बाई dx माइनस y बराबर e की पावर x, एक्स डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स डी वाई वाई डी एक्स माइनस वाई बराबर ई की पावर एक्स, ये क्वेश्चन है दोस्तों अपना क्वेश्चन नंबर जो 7 है। वो अपन ने लिखा है, इसको इक्वेशन नंबर 1 डालो और अब सबसे पहले तो देखते हैं कि भाई ये एग्जैक्ट है या नहीं है, और कंटिन्यू वही अपना सेम तरीका सोलो करते जाते हैं इसको। तो आप लिखोगे हियर पी नोट का मान तो है x, पी वन का जो मान है 1 माइनस एक्स, और जो पी टू का मान है वो माइनस वन है। आपको चेक करना है पी टू माइनस पी वन डैश प्लस पी नोट डबल डैश, पी टू माइनस वन माइनस इसका डेरिवेटिव करो भाई तो माइनस वन, और इसका डबल डेरिवेटिव करो तो जीरो, तो ये कुल मिला के कितना आ गया जीरो। मतलब एग्जैक्ट है तो मैं लिखूँगा, अतः समीकरण एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, यथार्थ अवकल समीकरण है। अतः इसका प्रथम समाकल, अतः इसका प्रथम समाकल जो फर्स्ट इंटीग्रल होगा वो कितना होगा इसका भाई, पी नोट सेकंड डेरिवेटिव और फर्स्ट डेरिवेटिव में चेंज हो जाएगा प्लस पी वन माइनस पी नोट डैश वाई बराबर, राइट साइड में जो दिया उसका समाकलन करो तो ई की पावर एक्स का समाकलन ई की पावर एक्स और सी वन, वैल्यू पुट करो पी नोट का मान है एक्स तो एक्स डी वाई वाई डी एक्स प्लस पी वन में से पी नोट डैश कटाओ तो इसका डैश करेंगे तो वन, और वन कटाओगे वन माइनस एक्स में से वन कटाओ तो माइनस एक्स और या वाई, आप इसका मान यहाँ से निकाल लेना पी वन में से पी नोट डैश कटाना तो माइनस एक्स, तो मैं कुल मिला के यहाँ लिख दूँ माइनस का एक्स वाई बराबर ई की पावर एक्स प्लस सी वन, इसको डाल दिया इक्वेशन नंबर 2। अब ये यथार्थ तो नहीं है, आप चेक कर लेना यथार्थ नहीं है, तो मैं सीधा ही लिख देता हूँ भाई डी वाई बाई डी एक्स, एक्स का भाग दो माइनस वाई बराबर ई की पावर एक्स अपोन एक्स प्लस सी वन अपोन एक्स, इसको डाल दिया इक्वेशन नंबर 2। ये लीनियर है, किस में लीनियर है वाई में, तो मैं लिखूँगा दिस इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन
वाई में लीनियर है, वाई में लीनियर है तो आई एफ निकालना पड़ेगा, और जो आई एफ का फॉर्मूला होता है, आई एफ बराबर होता है ई की पावर में माइनस वन है तो सीधा डी एक्स, तो कहने का मतलब ई की पावर माइनस एक्स, सही है, ये हो गया। तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन टू, आसान सा ही क्वेश्चन बन गया ये तो। देन सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन टू, इस इक्वेशन टू का सॉल्यूशन होगा वो होगा वाई इंटू आई एफ बराबर ई की पावर एक्स अपोन एक्स प्लस सी वन एक्स अपोन एक्स इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी टू। तो वाई ई की पावर माइनस एक्स बराबर, ये इसके साथ गया तो इसको हटा देगा और वन अपोन एक्स का लोग एक्स प्लस सी वन को बार ई की पावर माइनस एक्स अपोन एक्स डी एक्स प्लस सी टू, और ई की पावर माइनस ई की पावर एक्स से गुणा कर देंगे तो वाई इंटू ई की पावर एक्स लोग एक्स प्लस सी वन ई की पावर माइनस एक्स अपोन एक्स डी एक्स प्लस सी टू ई की पावर एक्स। आंसर मैच करने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन, और बिल्कुल सही अपने आंसर मैच हुए हैं इसके। इस प्रकार से दोस्तों अपन ने ये क्वेश्चन नंबर सेवन जो था उसकी प्रॉब्लम को भी सोल्व कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर एट में दो पार्ट दिए हुए हैं तो दोनों पार्ट सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं अपन। दस ग्यारह बारह तो बहुत आसान है, चलो आप एक बार इसको उतारिए फिर क्वेश्चन नंबर एट की तरफ बढ़ते हैं। ये तो आसान सा क्वेश्चन था, और आसान क्वेश्चन ही दोस्तों एग्जाम में आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर एट, क्वेश्चन नंबर एट, एट में दोस्तों दो पार्ट हैं। पहले पार्ट के ऊपर चर्चा करते हैं। मेरी किताब में दो पार्ट दे रखे हैं, उसमें ए पार्ट तो मैं लिख देता हूँ डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस टू ई की पावर एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू ई की पावर एक्स वाई बराबर एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस टू ई की पावर एक्स डी वाई वाई डी एक्स। ओके, ये क्वेश्चन है दोस्तों आठवें का, जो पहला अपनी बुक में दिया हुआ है वो ये है जो अपन ने लिखा। सबसे पहले तो इसको इक्वेशन नंबर वन डाल देंगे और चेक करेंगे कि ये एग्जैक्ट है या नहीं है। इक्वेशन नंबर वन डाल दिया और मैं लिखूंगा कि हियर पी नोट डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का कोपिशियंट तो है पी नोट का मान वन है, जो पी वन है वो है टू ई की पावर एक्स, और जो पी टू है वाई का कोपिशियंट वो भी है टू ई की पावर एक्स, ठीक है। अब आप चेक करो पी टू माइनस पी वन डैश प्लस पी नोट डबल डैश पक्का जीरो जीरो होगा, ये आप वैल्यू पुट कर लो तो जीरो होगा, अर्थात समीकरण एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। जो समीकरण एक है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, अतः है समीकरण एक का प्रथम समाकल, समीकरण एक का प्रथम समाकल।
तो जो प्रथम समाकल होगा वो कितना होगा, पी नोट इंटू एक डेरिवेटिव कम करो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वन माइनस पी नोट डैश वाई बराबर राइट साइड में है उसका समाकलन करो एक्स क्यूब बटे तीन प्लस का सी वन। ठीक है दोस्तों, पी नोट की वैल्यू पुट करेंगे तो वन, तो वन पुट करने से तो कोई इफेक्ट होता नहीं। पी वन माइनस पी नोट डैश, पी वन माइनस पी नोट डैश इसका डैश करेंगे तो जीरो, और पी वन में से कटाएंगे तो टू ई की पावर एक्स इंटू वाई बराबर एक्स क्यूब बटे तीन प्लस सी वन इक्वेशन टू। एग्जैक्ट तो है नहीं क्योंकि पी नोट का मान वन, पी वन का मान ये, तो पी वन माइनस पी नोट डैश जीरो तो होगा नहीं, तो मैं लिख देता हूँ इक्वेशन टू है वो एग्जैक्ट नहीं है। इक्वेशन टू, इक्वेशन टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, ये जो इक्वेशन है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, लेकिन यह है, लेकिन यह है, बताओ क्या है, लेकिन यह प्रथम कोटि का, प्रथम कोटि का रैखिक अवकल समीकरण है। ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है लेकिन प्रथम कोटि का रैखिक अवकल समीकरण है, तो आई एफ निकालो, इंटीग्रेशन फैक्टर आई एफ बराबर ई की पावर में पी एक्स, पी एक्स कितना है टू ई की पावर एक्स डी एक्स, तो कहने का मतलब ई की पावर में टू ई की पावर एक्स, ई की पावर में टू ई की पावर एक्स, ये इसका आई एफ बना। तो आप इसको उतारिए और कोई भी प्रॉब्लम हो तो दोस्तों बताइए। वरना फिर अपन आगे बढ़े, ठीक है बढ़े आगे। आई एफ आ गया तो सीधा लिख देता हूं, देन सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन टू, देन अच्छा दूसरे पेन से करें, देन सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन टू, देन सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन टू, इक्वेशन टू का सॉल्यूशन क्या होगा, वाई वाई इंटू आई एफ, आई एफ कितना आया e की पावर में टू e की पावर x बराबर इंटीग्रेशन, राइट साइड में कितना है एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस सी वन, आई एफ से गुणा करो e की पावर टू e की पावर x डी एक्स प्लस सी टू। अब ऐसा करने से दोस्तों जो चीज़ सोल्व होती है उसको तो सोल्व करने की कोशिश करते हैं, और जो चीज़ सोल्व नहीं होगी उसको ऐसे कैसे अपने छोड़ देते हैं। तो अगर आप आंसर इसके मैच करोगे तो y इंटू ई की पावर टू ई की पावर x ऐसे कैसे, एक बार तो इसको इसके पास लेके आओ, एक बटा तीन कॉन्स्टेंट है उसको बाहर निकाल लो, एक बटा तीन एक्स क्यूब ई की पावर टू ई की पावर x डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1 e की पावर टू ई की पावर x डी एक्स और प्लस का c2। और ऐसा करने से आप देख लेना अपनी बुक में आंसर मैच करके, अपने दोस्तों बिल्कुल डिट्टो आंसर मैच हो चुके हैं। इस प्रकार से अपन ने क्वेश्चन नंबर 8 का जो ए पार्ट मेरी किताब में दिया हुआ है, आपकी में शायद यही होगा, हो सकता है जो क्रमांक है वो ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो उससे ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 भी अपन ने कर लिया है, तो आप इसको कीजिए, फिर इसके बाद में अपन आगे बढ़े। अब क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट अपन करने की कोशिश करेंगे, और बी पार्ट क्या है उसको भी देखते हैं। तो दोस्तों आप भी कंटिन्यू चलते जाओ क्वेश्चंस करते हुए, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं यहाँ आपके लिए, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि इन सारे क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में नोट करें और मेहनत करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप निकालने की कोशिश करो। देखो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो अपने क्लास नोट्स के बाहर आएगा, लेकिन आप क्लास नोट्स को तो अच्छे से पढ़ो, अगर इनको नहीं पढ़ोगे तो फिर प्रॉब्लम होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 8वें का बी पार्ट,
कितना दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स एक्स डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस थ्री डी वाई बाई डी एक्स माइनस टू वाई बराबर एक्स। हो सकता है किसी की बुक में नहीं हो ये, तो घबराने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं आपको। और इस क्वेश्चन के तो अपने को आंसर भी नहीं दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के तो आंसर भी अपनी बुक में नहीं दे रखे हैं, तो देखते हैं कि अपन सोल्व तो कर लेंगे। भाई इसको क्वेश्चन नंबर वन डाल दिया। अब सबसे पहले तो पी क्यू आर वगैरह की वैल्यू अपन लिख देंगे, ओके। तो पी नोट की वैल्यू मैक्सिमम ऑर्डर डेरिवेटिव का गुणांक, पी वन की वैल्यू थ्री और पी टू की वैल्यू माइनस टू। तो मैं क्या लिखूंगा, क्योंकि पी टू माइनस पी वन डैश प्लस पी नोट डबल डैश, पी टू की वैल्यू माइनस टू, ये डेरिवेटिव जीरो और इसका डेरिवेटिव करोगे तो टू, कितना हो गया जीरो हो गया। इसका मतलब जो इक्वेशन नंबर वन है वो एग्जैक्ट हो गया ना, अर्थात समीकरण एक यथार्थ अवकल समीकरण है, यथार्थ अवकल समीकरण एक जो है वो यथार्थ अवकल समीकरण है, अतः इसका प्रथम समाकल, अतः इसका प्रथम समाकल जो फर्स्ट इंटीग्रल होगा वो कितना होगा, पी नोट एक डेरिवेटिव कम करो डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ लिखोगे पी वन माइनस पी नोट डैश वाई बराबर राइट साइड में जो दिया हुआ है उसका इंटीग्रेशन, तो एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस का सी वन, ओके। पी नोट का मान कितना है, एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वन माइनस पी नोट डैश, तो पी वन तो थ्री माइनस पी नोट डैश करो तो टू एक्स, इसका डैश करेंगे तो टू एक्स वाई बराबर एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस सी वन, इसको डाल दिया इक्वेशन नंबर दो। अब ये एग्जैक्ट नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि आप पी नोट का मान लिखोगे तो वो एक्स स्क्वायर और पी वन का मान लिखोगे तो थ्री माइनस टू एक्स, चूँकि पी वन माइनस पी नोट डैश का मान आया वो नॉन जीरो आया, पी वन माइनस पी नोट डैश का मान आया वो नॉन जीरो आया, और नॉन जीरो आते ही मैं बोल दूंगा कि जो इक्वेशन नंबर टू है वो क्या नहीं है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। अतः समीकरण दो यथार्थ अवकल समीकरण नंबर दो है वो यथार्थ अवकल समीकरण नहीं है। अब यथार्थ अवकल समीकरण नहीं है तो अब आप देखिए, तो इसको मैं ये लिखूंगा कि भाई डी वाई बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर का भाग दो इसमें, तो थ्री अपोन एक्स स्क्वायर माइनस टू अपोन एक्स, भाई एक्स स्क्वायर का भाग देंगे थ्री अपोन एक्स स्क्वायर माइनस टू अपोन एक्स बराबर वाई बराबर, इधर भाग देंगे तो एक उठा दो प्लस सी वन अपोन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का भाग देने से ये बनाओ और इसको डाल दिए इक्वेशन नंबर तीन है। अब इक्वेशन नंबर तीन है तो दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वाई ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, तो मैं लिख दूंगा दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वाई, तो आई एफ बनेगा ई की पावर में इंटीग्रेशन थ्री अपोन एक्स स्क्वायर माइनस टू अपोन एक्स डी एक्स, तो ई की पावर में माइनस थ्री अपोन वन अपोन एक्स स्क्वायर का समाकलन माइनस वन अपोन एक्स माइनस टू लोग एक्स, वन अपोन एक्स स्क्वायर का माइनस वन अपोन एक्स और ये अलग अलग करें तो ई की पावर में माइनस थ्री बाई एक्स
और ये e की पावर में लोग x की पावर माइनस टू यहाँ गया, तो ये बना कुल मिला के वन अपोन एक्स स्क्वायर और e की पावर माइनस का 3 बाई एक्स ये बन गया। देन सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन तीन y इंटू आई एफ, तो वन अपोन एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस थ्री बाई एक्स बराबर इंटीग्रेशन। अलग अलग करें, अच्छा पहले तो इसके साथ ही लिख दो, वन अपोन टू प्लस सी वन वाई एक्स स्क्वायर, और आई एफ कितना आया, वन अपोन एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस का थ्री बाई एक्स डी एक्स प्लस सी टू। तो ये बनाओ y इंटू वन बाई एक्स स्क्वायर इसकी पावर तीन बाई एक्स वन अपोन टू, एक बार तो इस पूरे को इसके साथ, तो वन अपोन एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस थ्री बाई एक्स डी एक्स प्लस सी वन, वन अपोन एक्स फोर ई की पावर माइनस थ्री बाई एक्स डी एक्स प्लस सी टू। तो आप उतारिए दोस्तों, और इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, इसका एक बार इंटीग्रेशन और कर सकते हैं अपन अगर होता है तो अपने से। y इंटू वन बाई एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस थ्री बाई एक्स बराबर वन बाई टू, यहां पर आप माइनस वन अपून एक्स को t मान लो, किसको माइनस वन अपोन एक्स को मान लो, माइनस का वन अपोन एक्स बराबर टी, तो बताओ इसका उपलन करेंगे तो वन अपोन एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर कितना होता है डी टी। तो कुल मिला के ये बन गया इंटीग्रेशन ई की पावर थ्री टी और वन अपोन एक्स स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर का मान डी टी, ये थ्री टी बन गया प्लस सी वन। अब देखो माइनस वन अपोन एक्स को टी माना तो ये तो बना ई की पावर थ्री टी, इसमें वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स तो बन गया डी टी, और जो वन बाई एक्स स्क्वायर है भाई वन अपोन एक्स फोर को वन बाई एक्स स्क्वायर इंटू वन बाई एक्स स्क्वायर लिख दो, तो वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स तो डी टी में गया ई की पावर थ्री टी, और जो वन बाई एक्स स्क्वायर है दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो वन बाई एक्स स्क्वायर का मान कितना बन जाएगा, जो वन बाई एक्स स्क्वायर बच रहा है दोनों तरफ स्क्वायर करने से वन बाई एक्स स्क्वायर का मान बन गया टी स्क्वायर, और ये बन गया वन बाई एक्स स्क्वायर डी टी प्लस का सी टू, ये थ्री टी वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स तो डी टी और वन बाई एक्स स्क्वायर का मान टी स्क्वायर। चलो ठीक है, तो इतना उतारिए दोस्तों, और इतना उतारने के बाद में अपन आगे बढ़ेंगे इस क्वेश्चन में। चले आगे, अब वीडियो को पॉज करके देख लिया करो या स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया करो। चलो अपन आगे बढ़ लेते हैं। तो ये बना y अपोन एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस थ्री बाई एक्स बराबर वन बाई टू, ई की पावर थ्री टी बराबर कितना होता है ई की पावर थ्री टी अपोन थ्री, और ये c1, इसको आप आइलेट से कर सकते हो, सबसे पहले t स्क्वायर को रोका e की पावर 3t टी अपोन थ्री माइनस टी स्क्वायर का 2t टी ई की पावर 3t टी अपोन थ्री डी टी और प्लस का c2, सही है ना।
तो ये बना वाई अपॉन एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस थ्री बाई एक्स बराबर एक बटा सिक्स ई की पावर थ्री। टी किसको माना था भाई, माइनस वन बाई एक्स को, तो थ्री बाई एक्स, इसको गुणा करो तो सी वन बाई थ्री टी स्क्वायर ई की पावर थ्री टी, ये माइनस दो बटी तीन, तो टू सी वन बाई थ्री और इंटीग्रेशन टी ई की पावर थ्री टी डी टी प्लस का सी टू। चलो ओके, वाई बाई एक्स स्क्वायर ए की पावर माइनस थ्री बाई एक्स बराबर वन बाई सिक्स ए की पावर माइनस थ्री बाई एक्स प्लस सी वन बाई थ्री टी स्क्वायर। टी स्क्वायर करो भाई, वन बाई एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस थ्री बाई एक्स माइनस टू बाई थ्री सी वन। टी को रोका ई की पावर थ्री टी का बाई थ्री माइनस इंटीग्रेशन ई की पावर थ्री टी अपॉन थ्री और डी टी प्लस का सी टू। और इसका फिर से करें तो ई की पावर थ्री टी बाई थ्री और आएगा, तो मैं कुल मिला के माइनस का और ये नाइन और ये डी टी हट जाएगा। और आगे बढ़े तो वाई अपॉन एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस का थ्री बाई एक्स बराबर वन बाई सिक्स ई की पावर माइनस का थ्री बाई एक्स प्लस सी वन ई की पावर माइनस थ्री बाई एक्स अपॉन थ्री एक्स स्क्वायर। इसको इससे करेंगे तो माइनस का टू सी वन बाई नाइन टी, टी का मतलब माइनस वन बाई एक्स और ई की पावर थ्री टी बोले तो माइनस थ्री बाई एक्स। इसको इससे करो प्लस का टू बटे सत्ताईस सी वन ई की पावर थ्री टी मतलब थ्री बाई एक्स प्लस सी टू। और ई की पावर थ्री बाई एक्स को पूरे से कैंसिल करो तो वाई अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर वन बाई सिक्स प्लस सी वन बाई थ्री एक्स स्क्वायर, ये कितना है टू सी वन बाई नाइन एक्स, ये कितना है टू बाई ट्वेंटी सेवन सी वन प्लस सी टू ई की पावर थ्री बाई एक्स। इस प्रकार अपने से जितना थ्री बाई एक्स सोल्व हो पाया उतना अपन ने किया है। आप देख लेना कहीं मिस्टेक नहीं कर दी हो, क्योंकि आंसर तो है नहीं इसके अपने पास, तो पता नहीं चल पाएगा कि भाई कितने के आंसर आ रहे थे। फिर भी अपने से जितना पॉसिबल हुआ उतना अपन ने ठीक करने की कोशिश की है इसको। और फिर भी अपने स्टेप्स को चेक कर लेना कि भाई यहाँ आई एफ बना था तो थ्री एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का माइनस वन बाई एक्स माइनस टू लोग एक्स, तो वन बाई एक्स स्क्वायर की पावर ओके, ये सही था, ये अपन ने राइट पार्ट में भेज दिया था, ये भी सही किया था। माइनस वन बाई एक्स को टी माना, थ्री टी ये डी टी हो गया था और ये टी स्क्वायर आ गया था वन बाई एक्स स्क्वायर, ठीक किया है मेरे हिसाब से। आप देख लेना फिर भी इसको चेक कर लेना। इस प्रकार से दोस्तों इस लेक्चर में बस इतना ही करेंगे और बाकी के जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं वो अगले लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, आप क्वेश्चंस को निकालते रहना और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो, ठीक है, धन्यवाद।